क्या बोलूँ भाई लोग, माइक्रोमैक्स ने मतलब पूरा तहलका मचा दिया। मतलब माइक्रोमैक्स नेल डी, मतलब दिल को खुश करके रख दिया यार। मतलब कोई ऐसा स्मार्टफोन कंपनी इतनी दिन बाद आया है, इंडियन स्मार्टफोन कंपनी जो कमबैक किया है, और वो भी धासु कमबैक। मतलब सीरियसली यार, इस फ़ोन को लेके मैं इंटरेस्टेड था, पर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। पर इसका प्राइस और इसका स्पेक्स को देखते हुए मैं सच में इंटरेस्टेड हूँ। और भाई, मैं ऐसे मीडियाटेक किलो G85 या G35 को देख के इंटरेस्ट नहीं हूँ कि पीछे दो कैमरा या चार कैमरा, ये देख के इंटरेस्ट नहीं हूँ। मुझे यहाँ पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, वो आ रहा है इसकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में। मैं आपको इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में कुछ डिटेल्स बताऊंगा, और ये बताऊंगा क्यों ये सारे जो मार्केट है, मतलब अभी इस प्राइस के अंदर आपको रियलमी C15 मिल जाएंगे, C11 मिल जाएंगे, C12 मिल जाएंगे, पोको C3 मिल जाएंगे, रेडमी नोट 9 प्राइम मिल जाएगी या रेडमी 9 प्राइम मिल जाएगी, इतने सारे स्मार्टफोन के बावजूद भी ये स्टैंड आउट क्यों करेगा, इसका पूरा डिटेल्स आप वीडियो में देखते रहिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। चालू करने से पहले हम लोग बात करेंगे इंडिया के बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है टेक्सल एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन में आप गेम खेल के काफी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको प्रेडिक्शन वाले गेम्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बेसिकली प्रेडिक्ट कर, जो आप स्कोर को प्रेडिक्ट करते हैं, उसके बाद आपको जाके अर्निंग होता है। क्या आपको पता है इस जो अर्निंग एप्लीकेशन है या गेमिंग एप्लीकेशन है, इसका रिटर्न रेट कितने ज्यादा है? अगर आप यहां पे जीत जाते हैं तो आपको 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसा रिटर्न नहीं, बल्कि 9 गुना रिटर्न देखने को आपको मिल जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप 10 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 90 रुपए का इंस्टेंट रिटर्न देखने को मिल जाएगा अगर आप जीत जाते हो तो। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 900 रुपए का इंस्टेंट रिटर्न देखने को मिल जाएगा। मतलब कितनी बढ़िया बात है। और साथ ही साथ अगर आप इस अकाउंट के अंदर, आप जो टेक्सल में अकाउंट बनाओगे उसके अंदर अगर आपने 200 रुपए बना लिया, तो बस हो गया, आपका 200 रुपए को आप इंस्टेंट रिडीम कर सकते हो आपके बैंक अकाउंट में। तो इस टेक्सल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ जाके अभी डाउनलोड करो, अर्न करना स्टार्ट करो। भाई देखो, सीधी सी बात, ये फोन स्टैंड आउट क्यों करती है? एक लौता रीजन है, इस फोन के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलेगी। कैसा स्टॉक एंड्रॉइड? क्लीन वाला स्टॉक एंड्रॉइड, मतलब कोई कस्टमाइजेशन वाला स्टॉक एंड्रॉइड नहीं। यहां पे मोटोरोला के कुछ फोन में स्टॉक एंड्रॉइड मिलते थे, पर वो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड होते थे, कस्टमाइज होते थे। पर ये क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड, जिसके अंदर आपको कोई भी प्री इंस्टॉल ऐप नहीं मिलता, मतलब क्लियर है। मतलब जो पेज मैंने देखा वीडियोस में, वो एकदम से क्लियर है। मतलब जो गूगल के कोर ऐप्स होते हैं, जो मेन एप्लीकेशन मैप वगैरह होते हैं, वो ही सब कुछ है, एक्स्ट्रा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। मतलब माइक्रोमैक्स ने काम कर दिया, मतलब जो काम करना था माइक्रोमैक्स ने वो काम कर दिया। ये तो हो गया नंबर 1 वाली बात, जिसके लिए मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप लोगों के बोल रहा हूँ कि ये मार्केट में स्टैंड आउट कर। बात करते हैं दूसरा रीजन के बारे में। यहाँ पे कभी भी आपको ना ब्लूटूथ देखने को नहीं मिलेगी, या ऐड आ गया या कुछ आ गया, ये करो, ये ऑफ करो, ये ऑन करो, ब्लूटूथ देखने को नहीं मिलेंगे, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप 6,999 रुपये दे के एक क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से बाकी कंपनी जो दे रहा है आपको कस्टमाइज स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, जहाँ पे फीचर्स बहुत सारे हैं, पर अपडेट के बाद वो वहाँ पे बग्स भी बहुत सारे आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कम होगा। तो ब्लूटूथ यहाँ पे नहीं है, तो एक क्लीन एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप बात करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी इशू के बारे में, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगी। देखो भाई, गूगल का खुद का सिक्योरिटी है, खुद का सिक्योरिटी पैच है, सब कुछ गूगल खुद करेगा, ओके। और यहाँ पे ना डेटा लीक होने का चांस है, ना ये है वो है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंडिया का स्मार्टफोन है। अब इंडिया से डेटा लीक करके कहाँ पर ले जाएगा? इंडिया का स्मार्टफोन है तो बस इंडिया में ही रहेगा, इंडिया का स्मार्टफोन है, मेड इन इंडिया है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि हमारी जो प्राइवेसी, अब कोई ना कोई कंपनी तो आया है इसको ख्याल रखने के लिए। मैं जो बोल रहा हूँ, इसमें दम तो है, मतलब माइक्रोमैक्स ने काम तो सही किया है, 100% सही काम किया है। बात करते हैं एक बहुत मेजर पॉइंट के बारे में, मतलब क्लीनर ऐप। चाइनीज हर एक डिवाइस में क्लीनर ऐप जरूर होंगे, देने का रीजन क्या है मुझे नहीं पता, पर होंगे जरूर। यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये एक स्टॉक एंड्रॉयड वाला डिवाइस है। अब क्लीनर नहीं है तो क्लीनर का झंझट भी नहीं है। मतलब स्टोरेज का परमिशन दो, कैमरा का परमिशन दो, उसका परमिशन दो, इसका परमिशन दो, हम जाके क्लीन करके आएंगे, ये नहीं है। मतलब टेंशन लेने को कोई बात नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा मेहनत ही होना पड़ेगा, हर एक एप्लीकेशन को खोल के आपको अलग अलग से कैचेस क्लियर करना पड़ेगा। तो मेरे लिए ये सही है, मैं कर लूँगा, एक दिन टाइम निकाल के कर लूँगा, पर कोई मेरा डेटा चुरा के भाग जाए उससे तो ये सही है मेरे लिए। बात करते हैं एक बहुत बड़ी अपडेट की बारे में, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, और जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि माइक्रोमैक्स स्टैंड आउट कर रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 साल का आपको सिक्योरिटी पैच दिया जा रहा है।
2 साल का सिक्योरिटी पास तो रियलमी भी देता है। यहाँ पे न्यू क्या है, न्यू ये है कि आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 10 से आ रहा है ये डिवाइस, एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 12 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 12 तक शांति से रहो भाई, इस फोन के साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आराम, मतलब बहुत आराम से आप चला सकते हो, क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है, तो आपका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होगा। बात करते हैं नंबर 6 पॉइंट के बारे में, और जो है भाई ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे जितनी सारी एक्सपीरियंसेस आपको इसके पहले मिली है, लाइक MI UI, पोको UI जो आने वाला है, Realme UI, फनटच OS, या आप मान सकते हो जो जो हो रहा है, अगेन जो जो सॉफ्टवेयर्स है, जो जो कस्टम मेड UI है, उन सारे से आपको ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेहतरीन मिलेगा। ज़्यादा आपको फीचर्स तो नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे बैटरी रेंज कम होगा, हीटिंग इशू कम होगा, जो बेकार बेकार रीज़न के चलते मोबाइल फ़ोन को फोन में प्रॉब्लम होता है वो कम होगा। और ये सी चीज़ को मुझे, मैं बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे इस चीज़ को, तो अगर ये फ़ोन का रिव्यू थोड़ा मुझे अच्छा दिखा तो मैं भी सोच रहा हूँ इस फ़ोन को एक बार परचेज ही कर लूँ, कि 6000 999 देके, 2 GB 64 GB 32 GB वाला वेरियंट, एंड 1000 ज़्यादा देना है 4 GB 64 GB के लिए, 8000 में मुझे 4 GB 64 GB मिल जाएगा, और साथ ही जी मीडिया टेक लियो G35 काफ़ी कमाल चिपसेट है, 13+2 MP का रेयर कैमरा, मतलब अच्छा चीज़। तो आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, और ऐसा वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है और उस बटन को जाके लाल कर दो, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दो। कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कहाँ पे जाना है, इंस्टाग्राम में चले जाओ। तो भाई लोग इस वीडियो में इतना ही, बाय।